लगातार राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का दूसरा दिन है। राहुल गांधी के साथ सैकड़ों की संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी ईडी कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। इससे पहले सोमवार को भी राहुल से 11 घंटे तक पूछताछ की गई। 660 मिनट तक राहुल का ईडी के सवालों का सामना हुआ। इस दौरान राहुल गांधी से 51 सवाल पूछे गए। एजेंसी ने इस पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई। इस दौरान राहुल से उनके बैंक खाते से लेकर यंग इंडिया को लेकर सवाल पूछे गए। कांग्रेस ऑफिस में अगर आप मेरे पीछे अगर आप देखें तो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ईडी दफ्तर उनको जाना है। ये दूसरा पार्ट टू उनका पूछताछ का ये क्रम है। ये पूछताछ के लिए वो ईडी दफ्तर से निकले जा रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर एकत्रित हैं कि ताकि उनके साथ है और इस बुरे वक्त में जो है मैं उनके साथ हूँ इस बात का एहसास कराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर एकत्रित है कि ताकि किसी भी तरह का जो है वो यहाँ पर लोगों के बीच में मनमुटाव झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। ये देखें, ये राहुल गांधी की गाड़ी है और उस गाड़ी में इनोवा में राहुल गांधी जाते हुए उनके साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी है। बस उन्हीं की जाने की इजाज़त है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं वो और ये पूरा नज़ारा आपको साफ तौर से दिखाया गया दिख रहा है क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्हें उधर जाने की परमिशन ली दी गई है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किए जा रहे हैं और उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है कि ताकि ये भीड़ ना हो, गैदरिंग ना हो और सही तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए क्योंकि 144 यहां पर लागू कर दी गई है। दिल्ली से कैमरामैन सचिन के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।